84 में ले जाएगा नरकों में और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे? कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा? वो जानता ही नहीं कहाँ गए और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो अब आते हैं वो इसी धन को जीवात्मा को जगाने नाम के साथ। अभी आप नाम जानते ही नहीं हो। नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता है भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज को सुनते ही नहीं हो, और जब सुनने लगो तो आवाज तुम्हारी देने लगे और फिर सब तुम्हारी आंख कानों के साथ आंखों के साथ प्रकट हो जाए और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये हमको सुनने को मिलेगा, और वो मिलने लगी तब उसको मतलब यह है आनंद बरसता है और फिर दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक तरफ रहे उसको हिला नहीं सकता, कोई उसको बहका नहीं सकता, कुछ भी कहो आप बहका नहीं सकते। जब सच्ची थी सच्चा रास्ता सच्ची चीज मिली, जीवात्मा के साथ जुड़ गई और आनंद ले रही, तो इसको कौन मोड़ेगा? कोई नहीं। एक देवी घर में भजन करके उसका पति कहीं गया और रह गया, अब वो भजन करने लगी और उसको जब होने लगा तो कहेगी तुम क्या करती हो ढोंग? अरे हम ढोंग नहीं करते, तुम चले जाओ, जो हमको मिला तुम भी ले आओ, हमको तुम अपनी बुद्धि से समझते हो ढोंग, तो हम ढोंग ही है तो हम छोड़ नहीं सकते, तुम अभी चले जाओ, हमको कोई कम नहीं। अगर तुमको कुछ लेना है तो वहां चले जाओ और वहां जाके ले आओ, जो हमको मिला वो आपको मिल जाएगा, वहां कोई इनकार थोड़ी है। अगर हमारे लिए दरवाजा खुला तो तुम्हारे लिए भी खुला रहेगा। तब चुप हो गया, चुप हो गया, फिर नहीं बोला। तो कोई सतंगी आया, उसने कहा अरे इसे बोलना बालना नहीं तेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसको परमार्थ की दौलत मिल रही है, ये तेरी बात क्या सुनेगी, ये कुछ नहीं सुनेगी। इसके ऊपर नशा चढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो हिला डुल सकता, जब वो देख रहा सती सत को देख रहा उजाले में खड़े होकर के, तो उसको कोई धोखा दे सकता? आप तो अंधेरे में कल्पना में हो, इसमें ये होगा है और कुछ नहीं, इसी में बसे हुए। और वो देख रहा बेचारा, जिनकी आंख खुल गई कान खुल गए उसको किसको मोड़े? अरे तुम ही 15-20 दिन लग करके कर लो भी तुम्हारी आंख और कान खुल जाए कौन मोड़ेगा? इसलिए महात्मा जो देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं। हम तो सब स्थानों पर जितने भी लोग वहां स्थानीय, इन काफले वालों से कहा कि तुम मैदान में नहीं बैठोगे, तुम अपनी गाड़ियों के पास दूर रहोगे, वहां बैठ के सुनो गाड़ियों के पास, मैदान में स्थानीय जनता को आने दीजिए। इन सब लोगों ने पूरा पूरा पालन किया, स्थानीय जनता को पूरा मौका दिया और इतनी जनता आई सब स्थानों पर, इतनी आई कि सब लोग ये कहते हैं कि आज तक ये सारी जिंदगी हो गई, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं मिला और ये मतलब आगे भी नहीं मिला। जहां देखिए भाई, जहां देखिए वही सुनिए, यहां भी यही कह रहे हैं, यहां भी आज 34 दिन है, 34 दिन है, हमने किसी दिन छोड़ा नहीं। पूरा मतलब ये है कि आगरा से शुरू किया हथियाबाद और फिर मुड़ेना, ग्वालियर और भिंड, दतिया, चले गए टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, आपके मतलब मैयर, सतना, रीमा, सैडोल, सीडी, ये सब
जितना भी किया दो तीन शहर छोड़कर बाकी सब देहात हो। और कहां से जनता आई वो किसी को पता नहीं, कैसे भाग के आई, यानी ये किसी को नहीं मालूम कि सड़कों पर कतार लगी है, वहां हाथ जोड़े बच्चे छोटे छोटे और पुरुष स्त्रियां ऐसे खड़े। ये है इस काफले के दृश्य को दर्शन देने के लिए ये सबका। और स्थान पर 40 किलोमीटर इधर 40 इधर 40 इधर 40 इधर, कहां से आ रहे हो, कह लगे मैं 25 किलोमीटर से पहाड़ों से आ रहा हूं, ये सब पहाड़ों से आ रहे, कोई इधर से आ रहा कोई इधर से। और एकदम से समय से 4 बजे के पहले एकदम भर गया, जैसे ही भर गया इसी तरह से कहीं भी कोई चीज खाली नहीं। और ये हमारे जो 7 काफले वाले, ये इनको ये नहीं था कि बाबा जी ने कहा कि हम तुमको दिखाएंगे, ये नहीं था। अब ये चक्कर में तो इनका तन, इनका मन, इनका धन अब की बार सब सफल हो गया और खुशी इनको हुई कि मैं दौड़ा कर रहा हूं, मैं मतलब साथ साथ और यहां जमीन में लेटता हूं, और मतलब यह है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं पेड़ नहीं है इस तरह से, और ये एकदम लगे रहे, छोड़ा किसी ने, ये बराबर 24 दिन यानी मतलब कल तक चलते रहे, आज गए नहीं तो सुबह 5 बजे निकल जाते, सब चले जाते, 3 बजे घंटी बजती है, सब नहा धो करके सब तैयार होकर के बस। तो ये तो मैंने आपको सूक्ष्म और जो जो बातें वहां की वो तो मतलब ये कि आप क्या कहेंगे, इनकी बात तो सुनिए, ये जो है ये जो आए हुए आप हमसे क्या पूछते हो, ये सामने जो बैठे ये असली है चीज कि आपकी बार लोगों को मिला, बहुत लोगों का लाभ हुआ, फायदा हुआ। एक आदमी आया बंदूक लेकर के कि हम डकैत थे, तो हमने कहा भाई तुम कोई भी होते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सत्संग सुन लो, कह लगे मैं इसीलिए आया और मैं बंदूक लेकर के जाता हूँ, खाली मैं कहूंगा कुछ नहीं ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ सब आ जाएंगे। हमने कहा नहीं उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आना, आप यही बैठे रहो, वो आपने कहा कुछ नहीं है, यही बैठे रहो और फिर उनको देखना, यहां ऐसा नहीं मत करो कि हम चले जाएंगे तो हमारी वजह से आए, नहीं आप मत जाओ, खेलेगा अच्छी बात तुम्हारा रहा। और एकदम से जब भीड़ आई तो हमने पूछा उनसे, हमने तुम्हारी वजह से आए, तुम गए थे बुलाने, चले हम गए तो फिर कैसे आए, तुम ईश्वर के मतलब काम में दखलंदाजी कैसे कर सकते यार। तो कह लगे ये बंदूक रखी, अब आप एक काम कभी ठीक करो, जब सत्संग सुन लिया और उसको नामदान दिया और बताया उसको, तो कह लगे ये बंदूक धरी आप ठीक करना, नहीं तो ऐसे बंदूक दिखाया। तो बताइए आप, लोग जो है अपने दुष्कर्म को जब समझ आती है और दया होती है, सहयोग मिल जाता है, छोड़ देते, बहुत छोड़ा, एक दो करोड़ों आदमी।